बहुत बड़ी प्राप्ति है, यानी पूरी दीन दुनिया तक खबर पहुंच गई। जिन्होंने नशेड़ी दसते सी, जिन्होंने बैली दसते सी, अग दा पुआ तेरा वेख लो। ना तो मैं ना मैं सियासत करनी है, ना मैनू आती है। मेरी बेनती है कि छोटी जी थोड़ी थोड़ी जी अपने सुधार कर लिए। जेडे नौजवान गबरू है, जेडे फेसबुक से सारा दिन लाला लाला जी करी जाने, इन्हों संजम बरतना शुरू करिए। अपने हकों लिए लड़ना जरूरी है, पर सानू अपने आप नू भी थोड़ा जा बदलना पवेगा। बदलते समाज च असीं देखिए कि पूरी दुनिया च जिहड़ी फेसबुक है कोई साडे वांगू वरतदा है, आपसी लड़ाई लिए वरतदा, किन्नियां जातां धर्मां च असीं वंडे गए, ते सानू हक किवें मिलूगा। हक तां पहिलां सर्वत दा भला मंगांगे तां ही मिलूगा, जदों अपने घर तों पहिलां इह सोचांगे कि मेरे डैक दी आवाज़ गुआंढी नूं तंग तां नहीं करदी, उदों इक सभ्यक समाज बणूगा। गीत संगीत सुणो किते जे वक्त मिलदा, दिन नूं वंड लिया करो नौजवानो, सवेरे गुरबाणी सुणिया करो, शाम नूं कवालियां किते गीत भी सुण लिया। गीत हमेशा मैं नहीं हुंदा, गीत तू ही तू हुंदा। सो दो चार बेनतियां, धरना सफल है, पूरा कामयाब है, और जिहड़े साथ च टिके है मैनूं लगदा साल नहीं खुलना, कानून वापस लै लेने चाहिए। नौजवानों ने, सारे जथेबंदियों ने लखे का बहुत जोर, लखे भाई तू वधाई का पात्र है, लखा पंजाबियों का आन बन के उभर है, और जिन्हें भी मुंडे कालजा च पार्टीबाजी लिए लड़ते हैं, इलेक्शन च खड़ते हैं, इन्ना चंगा हो जो आपके इस यूनियन नाले जुड़ जान, हकों लिए लड़न। एग्जाम्पल बड़ी छोटी है, जदों सुच्चा अपनी भरजाई का कतल करता तो वह सुच्चा बजता, जदों गऊ गरीब की राखी करता फिर सुच्चा सिंह सूरमा बन जाता। ऐसे तरह दुला जदों छोटिया लड़ाइया लड़ता तो दुला रह जाता, पर जो सल्तनत ना टक्कर लगा फिर दुला पट्टी हो जाता। सो इस करके जो मैच रहोगे तो फिर अपने औरे च रहोगे, जो दुनिया लिए निकल जाओगे फिर दुनिया थोड़ा बहुत खूबसूरत लगती है, फिर दुनिया हाथों से चटती है। तो आपसी मैं चो निकलीए, आप फिर बाबे के जो स्लोगन दते उन्होंने चलीए। तो धरना कामयाब है, बहुत गल्ला करने की लोड़ नहीं। मजदूर कितने साढ़े, अपने बजुर्ग कदे भी मजदूर नहीं सी कहर कहते होंगे, क्योंकि स्लोगन हुण बन गए सांझी हो कहते सी, हिस्सेदारे हुंदा सी फसल च, वह भी साडे बापू है, उन्होंने बारे भी असीं सोचना। दुनिया च जिहड़ियां जातां पातां बनाईयां अमीर लोगों ने वंडण लई बनाईयां, जातां दो ही हुंदियां, एक अमीर वर्ग एक गरीब वर्ग, एक शहरी वर्ग एक पेंडू वर्ग। सो पिंड च जिहड़ा भी रहिंदा, जिहड़ा भी पिंड च रहिंदा खेती करदा है या जमीन है, वह जिमीदार है। सो इस करके इहदे चों निकलना पऊगा। सो बाकी बाकी लखा बोलूगा, जट और जाट च फर्क की है मैं दसो, एक कन्ना है एक नु अदक लग्या। जट जाट में फर्क ना कोई, दोनों भाई भाई, जट जाट में फर्क ना कोई, दोनों भाई भाई। सो हरियाणा वाले ने बहुत साथ दिता है, जे इदा ही राजस्थान भी निकलिया वे, जे जागरूकता आ जाए, पर मैनू लगता भी ये जिहड़ी कदे भी कोई पहल हुंदी है हक हकूक की पंजाब ही करता है। जिस पंजाब नूं नशेड़ी मीडिया कह कह के थक गया, आ दसो मैनू इन्हां चों किन्ने किन्ने कि नशेड़ी देखदे तुहानूं, आ चक चक के पत्थरे नाल साइड ते मारे, 20-20 क्वांटल दीआं लाटां चक चक साइड ते रखदीआं, इह नशेड़ी है ना। साडे गबरू जे कोई नशा करदा असीं कह सकदे हां वी साडा मुंडा नशा करदा, असीं गा सकदे हां वी साडा, पर सानूं कोई बाहरों आके नहीं कह सकदा कि तुहाडे स्टेट च नशे, असीं नहीं मानदे, असीं किसे दी नहीं सुणदे, असीं अपनी गल जरूर करांगे, असीं अपने मुंडे नूं समझा सकदे हां शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, पर सानू कोई बाहरों कहे उहदा मुकाबला करिया करो, उहनू काउंटर करिया करो, उहनू कह पुछिया करो कि वड्डे शहरां जिहड़े मैट्रो सिटीआं उत्थे किन्नी शराब बिकदी है, पुछिया करो। सो इस करके असीं नहीं नशेड़ी, असीं कामे आ, किरती आ, मेहनत कश आ, साडा प्रदर्शन बड़ा शांतमई है, इह लोकतंत्र च है, इहदे च कोई हल्ला गुल्ला नहीं, और किन्नी खूबसूरती नाल किड्डा लंबा लाइन लगी है। मैनू लगता कि सब अपनी मस्ती च है, कोई ताश खेड रहा है, कोई पकौड़े पक रहे हैं।
इस तरह की सभ्यता भी कितने कितने मिलती है। जेडे पुलिस वाले रोकते हैं उन्होंने भी लंगर छकाया जाता है कि ताड़ी मारो इन्होंने बाबे के नाम से। पंजाबी एक कीमती है, पंजाबी जिहड़े आपस लड़दे हैं, लड़ के आपां जेलां च जांदे हैं, नहीं जाना चाहिए आपां नूं। आपस लड़न दा वक्त नहीं, साडी आबादी बहुत थोड़ी है, घट गिणतियां नूं हमेशा एक एक बंदा यहूदी दी जदों किसी दी हादसे च कोई मौत हो जाए जे उहदा जिहड़ा खून धरती ते डुलदा है ना उह मिट्टी ते सड़क पट के नाल लै जांदे, उह कहिंदे साडा खून है। अपने च इदां दी समर्था पैदा करनी पैणी है, फिर आपां महान दुनिया दी जिहड़ी बाबा जी ने सोची सी तां उह कम्युनिटी असीं बणांगे। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ? ਬਾਕੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਫਿਕਰੇ ਨਾ ਕਰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਾਊ ਮਾਲ। ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਬਈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਖਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਫੜਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਨੀ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਜੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, 30 ਸਾਡੀਆਂ 31 ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, 30 31 ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਵਾਦ, ਹੁਣ ਨਜਾਤ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਕਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਾਂਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ।